महाराष्ट्र सरकार ना मंत्री चंद्रकांत पाटील वडोदरा ना प्रवासे छे तेव द्वारा पत्रकार परिषद ने संबोधी हती। महाराष्ट्र ना उच्च शिक्षण ने टेक्सटाइल मंत्री चंद्रकांत पाटीले वडोदरा मा मोदी शासन ना 9 वर्ष ना उपलक्ष मा प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी हती। चंद्रकांत पाटील आजे समग्र दिवस वडोदरा नी मुलाकाते आव्या हता। सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजप प्रमुख डॉक्टर विजयभाई शाह सहित ना महानुभाव पत्रकार परिषद मा उपस्थित रह्या हता। चंद्रकांत पाटीले निवेदन आप्यु हतु के 9 वर्षनी उपलब्धिओ लोको सुधी पहोंचाडवाना प्रवासनी योजना बनावी हुं अगाउ पण वडोदरा आवी चुक्यो छुं। 2014 मां लोकोनी भावना निर्माण पामी हती। 2004 थी 2014 ना शासनकाळने कारणे कोबांडोना कारणे लोकोनो विश्वास उठी गयो हतो। मोदीजीए 9 वर्ष लोकप्रतिनिधिओ माटे लोकोमां विश्वास उभो कर्यो, लोकोमांथी निराशा ने अविश्वासनुं वातावरण दूर कर्युं। गुजरात में मोदी सरकार 15 वर्ष बैकग्राउंड कारण देशभर में अमरा प्रत्ये लोगों ने आशाओं थी। मोदी जी की विशेषता यह रही, 9 साल में उन्होंने हर सामान्य व्यक्ति को, झुगी झोपड़पट्टी में रहने वाला, आदिवासी इलाके में रहने वाला हर सामान्य व्यक्ति को देश के बड़े विषयों में पार्टिसिपेट किया। स्वच्छता ये इसका बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि ये करो वो करो, फिर वो नारों तक ही विषय रहता है, फिर लोक प्रतिनिधियों के तक विषय रहता है। मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का अभियान बनाया। इस देश में 2014 तक स्वच्छता ये किसी के प्रायोरिटी का विषय नहीं था। 14 के बाद हमारा ऑफिस स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा घर स्वच्छ रहना चाहिए, हमारी कॉलोनी स्वच्छ रहनी चाहिए। फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन लगना शुरू हुई कि अच्छी स्वच्छ कॉलोनी को अच्छा प्राइज मिले। करते 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 जिस विषय के लिए दुनिया के लोग हंसते हो गए, स्वच्छता के लिए अभियान करना पड़ता है, लेकिन वो आवश्यकता थी तो उन्होंने पीपल्स मूवमेंट बनाई। तो ये और एक विशेषता मोदी जी के है 9 साल के कामों में कि उन्होंने सर्व सामान्य व्यक्ति को देश के, कोविड उसका बड़ा उदाहरण है। कोविड में उन्होंने देश की 137 करोड़, अभी फिगर और आनी है जो 141 करोड़ से आगे हुई, करोड़ जनता को लॉकडाउन के लिए तैयार किया। इट वॉज नॉट सो पॉसिबल टास्क, उन्होंने तैयार किया सबको, यह कन्विंस किया कि अपने को ये करना पड़ेगा। कोई ने विरोध नहीं किया, कोई ने धरने नहीं किए, कोई ने प्रदर्शन नहीं किया। लोगों ने मोदी जी का सुना, ये मोदी जी की विशेषता है कि मोदी जी ने अपने बारे में लोगों के मन में विश्वास निर्माण किया कि भाई ये बोलते हैं तो करना है। उसमें पक्ष अपक्ष सारे बाजू में रह गए, सारों ने माना, सारों ने लॉकडाउन किया, हम बच गए। इतने बड़े देश में यदि कोविड की सूचनाओं का अमल हम नहीं करते तो देश की क्या स्थिति होती हम जानते हैं। ऐसे ही एक बड़ा विषय बोलकर मैं फिर जो नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके माध्यम से लोगों को चाहिए वो बताता हूँ, वो है इस देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने हैबिचुअल किया। पॉसिबल ही नहीं था। आज किसी छोटे गाँव में फ्रूट बेचने वाले, फल बेचने वाली महिला भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करने लगी। उसको ध्यान में आता है कि वो बताती है कि भाई क्यों पैसा किसी में लेकर घूमते हो। इसके लिए आवश्यक थे हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट, वो नहीं थे। ये ध्यान में आया जब नए 48 करोड़, अब मैं फिगर शुरू करता हूँ, 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए, उनके बैंक में अकाउंट नहीं थे। जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो बैंक में सब्सिडी ट्रांसफर कैसे करेंगे, है तो व्यापारी बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। 48 करोड़ 27 लाख ये अब तक जनधन के खाते खुले, जिस जनधन के खाते पर जीरो बैलेंस यह कंडीशन है, जीरो बैलेंस है, बैलेंस नहीं रखा तो भी चलेगा, इससे सामान्य व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर पाया। और शुरू हुआ हर सब्सिडी को हम डीबीटी करेंगे, अकाउंट में डालेंगे। 9 साल में 25 लाख करोड़ इतनी अमाउंट लोगों के अकाउंट पर अलग अलग प्रकार के योजना के तहत गई। योजना में बताना है जिसकी अमाउंट गई तो कोई महिला गर्भवती होती है तो मातृवंदना नाम से उसके अकाउंट पर 6,000 रुपये जाना। हर विषय में लॉजिक कि ये हमारी गरीब बहन जब गर्भवती होती है तो आखिरी के दिन तक उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि वो काम नहीं करेगी तो घर नहीं चलेगा।
तो उसको एक 6,000 रुपये दिए जाए ताकि 2-3 महीने वो थोड़ा आराम करे, कुछ अच्छी दवाई ले, कुछ कच्चा खाना खाए। तो ये 6,000 रुपया पहले कैसे देते थे, तो वो कैश से देते थे। बार बार उस सरकारी ऑफिस का अधिकारी उसको चक्कर लगाना पड़ता था, फिर उसमें से वो 100 रुपया 200 रुपया निकालता था। अभी निकालने का विषय नहीं, 6,000 रुपये के लिए आप एलिजिबल है, आपके अकाउंट में सीधा जाएगा। समाचारों ना सतत अपडेट मेळवा माटे लोकमत न्यूज ने यूट्यूब ऊपर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावो अने अमारी साथे जोड़ाई रहो फेसबुक, इंस्टाग्राम अने ट्विटर ऊपर।